हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द लेक्चर सीरीज ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिजाइन ऑफ मोड 12 सिंक्रोनस अप काउंटर यूजिंग डी फ्लिप फ्लॉप। तो यहां पे हमें बोल दिया गया है कि जो हमें काउंटर डिजाइन करना है वो काउंटर डिजाइन होना चाहिए डी फ्लिप फ्लॉप से। ओके, नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ पे हमें अप काउंटर बोल दिया गया है, यानी कि जो हमें काउंटर डिजाइन करना है वो स्टार्ट होगा 0000 से। ओके, और हाईएस्ट वैल्यू तक काउंट करेगा। नेक्स्ट है सिंक्रोनस काउंटर। सिंक्रोनस काउंटर का मीनिंग होगा जो भी हमें यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप यूज करने हैं उसमें सिंक्रोनस एक साथ सभी साइमल्टेनियसली क्लॉक पल्स अप्लाई होंगे और सभी फ्लिप फ्लॉप एट अ टाइम एक्टिव होंगे। नेक्स्ट है मोड 12। ये जो मोड 12 है इसका मीनिंग होता है मॉड्यूलस 12, यानी कि इसमें जो भी कॉम्बिनेशन यूज होने वाले है उसमें टोटल 12 कॉम्बिनेशन होने चाहिए। तो जो बेसिक प्रोसेस है वो प्रोसेस कॉमन है, जिसमें स्टेप वन में आपको फ्लिप फ्लॉप स्टेप वन में आप देखना है कि नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप कितनी लगेगी ये जो काउंटर है इसकी डिजाइन के लिए। तो डिटरमाइन नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप। तो यहाँ पे हमें डिजाइन करना है मोड 12। ओके, मोड 12 यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ 12 कॉम्बिनेशन और काउंट हमें चाहिए। तो इसका सिंपल इक्वेशन है नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप का, 2 raised to n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल एन, वेयर कैपिटल एन इज द नंबर ऑफ स्टेबल स्टेट फॉर द गिवन काउंटर एंड n indicate the number of flip-flop. तो यहाँ पे हमारे पास n is equal to 12 है, तो यहाँ पे अगर हम n is equal to 3 रखेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेंगे 2 raised to 3 यानी कि 8। तो ये combination wrong combination है। अगर आप यहाँ पे n is equal to 4 रखते हो तो 2 raised to 4 यानी कि 16, and definitely 16 is greater than 12. Okay, so this one is the correct answer. Okay, तो यहाँ पे हमें number of flip-flop कितनी चाहिए, 4 flip-flop चाहिए। सेकेंड मेथड ऐसा भी है कि अगर आपको जितने भी यहाँ पे कॉम्बिनेशन दिए गए हैं, अगर इस कॉम्बिनेशन को आप, ये जो नंबर दिया गया है ये डेसिमल में नंबर है, ओके, अगर आप इसे बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो इसकी वैल्यू होगी 1100। ओके, तो ये हो गया बाइनरी नंबर। तो यहाँ पे आपको बाइनरी नंबर में जितने भी बिट चाहिए इस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी कि मोड जो नंबर दिया गया है इस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए जितने भी बिट चाहिए इतने आपको यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप यूज करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमें बोल दिया गया होता कि मोड 6 हमें डिजाइन करना है, ओके, तो आपको सिंपली क्या करना है, 6 का बाइनरी निकालना है। तो 6 का बाइनरी क्या होगा, 6 का बाइनरी होगा 110। ओके, तो ये हो गया हमारा बाइनरी नंबर। तो बाइनरी में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 3 बिट चाहिए, तो हमें यहाँ पे मोड 6 काउंटर डिजाइन करने के लिए 3 फ्लिप फ्लॉप यूज करने पड़ेंगे। तो फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया है, हमें यहाँ पे n इज इक्वल टू 4 फ्लिप फ्लॉप यूज करने पड़ेंगे। जो फ्लिप फ्लॉप है वो है डी फ्लिप फ्लॉप। नेक्स्ट स्टेप आएगा जिसमें हमें डी फ्लिप फ्लॉप यानी कि जो भी हमारे पास फ्लिप फ्लॉप है इसका एक्साइटेशन टेबल बनाना पड़ेगा। तो एक्साइटेशन टेबल ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप। ओके, तो ये हमारा सेकंड स्टेप रहेगा जिसमें हम बनाएंगे इसका एक्साइटेशन टेबल। तो डी फ्लिप फ्लॉप का मैंने पहले से ही एक वीडियो रिकॉर्ड करके पब्लिश कर दिया है जिसमें मैंने बताया था कि डी फ्लिप फ्लॉप किस तरह से वर्क करती है और डी फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशन टेबल किस तरह से बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूं, ये हमारा प्रेजेंट स्टेट है, क्यू एन प्लस वन ये हमारा नेक्स्ट स्टेट होगा और इन दोनों से आपको मिलेगा इनपुट डी की वैल्यू और इन दोनों से मिलेगी आपको इनपुट डी की वैल्यू। यहां पे हमारे पास दो वेरिएबल है तो यहां पे आपको 00 01 10 और 114 डिफरेंट कॉम्बिनेशन मिलेंगे। ये जो 4 कॉम्बिनेशन है इससे आपको इनपुट की वैल्यू पता चल सकती है और यहाँ पे एक्साइटेशन टेबल में यहाँ पे और हमने जो एक्साइटेशन टेबल बनाया था डी फ्लिप फ्लॉप का वो कुछ इस तरीके से था। ओके, तो ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप। अभी हमें चाहिए थर्ड स्टेप। तो स्टेप नंबर 3 में हमें क्या करना है, स्टेप नंबर 3 में हमें स्टेट डायग्राम ड्रॉ करना है। स्टेप 3, स्टेट डायग्राम ऑफ अप काउंटर। तो हमें यहाँ बोल दिया गया था कि हमें अप काउंटर डिजाइन करना है और इस अप काउंटर के लिए हमें यहाँ पे अलग अलग 16 कॉम्बिनेशन दिए गए हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास 16 कॉम्बिनेशन है, इसका एक लिस्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 वेरिएबल है, ए बी सी एंड डी। ओके, तो इस 4 वेरिएबल की आपको अलग अलग 12 कॉम्बिनेशन चाहिए। तो हम 00 से स्टार्ट करेंगे, तो 000 देन 0001 देन 0010 then 0011 then 0100 then 0101 then 0110 then
0 1 1 1 10 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 ये हो गए हमारे 12 कॉम्बिनेशन. ओके, यहाँ पे जो हम 12 कॉम्बिनेशन यूज किए हैं, इसकी अगर आप डेसिमल वैल्यू निकालोगे तो इसकी डेसिमल वैल्यू होगी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11. 0 से लेके 11 की आपने बाइनरी वैल्यू यहाँ पे, 0 से लेके 11 की हमने यहाँ पे बाइनरी वैल्यू लिख दी है. तो ये हमारे हो गए कॉम्बिनेशंस. ओके, और इसी से हमें स्टेट डायग्राम मिलेगा. हमारा फर्स्ट स्टेट ये वाला रहेगा, नेक्स्ट स्टेट आपको यहाँ पे मिलेगा, उसके आगे नेक्स्ट स्टेट ये रहेगा, इसके आगे नेक्स्ट स्टेट ये रहेगा. तो इसी तरीके से आपको ये पूरा स्टेट डायग्राम मिलेगा, जिसमें वन बाय वन कॉम्बिनेशन आपको इस तरह से आगे नेक्स्ट कॉम्बिनेशन मिलते जाएंगे. ओके, तो ये था हमारा स्टेट डायग्राम. जब हमें लास्ट कॉम्बिनेशन मिलेगा 1011, तो इसके आगे का नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या रहेगा? तो इसके आगे का नेक्स्ट कॉम्बिनेशन रहेगा जो हमारा यहाँ पे फर्स्ट कॉम्बिनेशन था वो, यानी कि 000. ओके, तो ये होगा हमारा नेक्स्ट कॉम्बिनेशन. तो इस तरीके से हमें एक काउंटर डिजाइन करना है जिसमें फर्स्ट कॉम्बिनेशन 000 होना चाहिए और लास्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए 1011. ओके, तो ये हमारा काउंटर का स्टेट डायग्राम है. ओके, तो इस स्टेट डायग्राम से हमें पता चलेगा कि कब हमें काउंटर रीसेट करना है. तो कब हमें काउंटर रीसेट करना है? हमें काउंटर रीसेट करना है 1011 पे. ओके, तो तब तक आप जो कॉम्बिनेशनल सर्किट डिजाइन करोगे उसका आउटपुट क्या मिलना चाहिए? 1 मिलना चाहिए. इससे आगे जो कॉम्बिनेशन है, फॉर एग्जाम्पल इसके आगे का कॉम्बिनेशन क्या रहेगा? 1 2 1 1 0 0. तो 1100 पे आपको आउटपुट जो कॉम्बिनेशन सर्किट का है वो होना चाहिए 0. ओके, तो उससे आपका जो पूरा फ्लिप फ्लॉप से बना काउंटर है वो रीसेट हो जाएगा. ओके, तो हमारा नेक्स्ट स्टेट क्या रहेगा? 1011 के बाद नेक्स्ट स्टेट होना चाहिए 10000. ओके, ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है वो आपको काउंटर रीसेट करने पे मिलेगा. तो ये हमारा स्टेट डायग्राम हो गया है. अभी हमें क्या करना है? इसके आगे एक एक्साइटेशन टेबल बनाना है जो कि हमारे लॉजिक सर्किट का होगा. ओके, तो ये हो गया एक्साइटेशन टेबल फॉर लॉजिक सर्किट. तो लॉजिक सर्किट अगर आपको बनानी है तो यहाँ पे हम 4 फ्लिप फ्लॉप यूज करने वाले हैं. तो 4 फ्लिप फ्लॉप से बना आपको एक एक्साइटेशन टेबल बनाना पड़ेगा. ओके, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ. फर्स्ट हमारा एक्साइटेशन टेबल फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप के लिए आएगा. तो इसमें हम QA और QA कॉम्प्लीमेंट और QA स्टार ऐसे इंडिकेट करेंगे. ओके, तो ये QA है, ये है हमारा प्रेजेंट स्टेट, और ये QA स्टार है, ये है हमारा नेक्स्ट स्टेट. ओके, तो ये हो गया नेक्स्ट स्टेट. तो ये था फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप के लिए. सिमिलरली हमें सेकंड फ्लिप फ्लॉप के लिए भी मिलेगा. तो सेकंड फ्लिप फ्लॉप फॉर एग्जांपल है QB, तो यहाँ पे मिलेगा हमें नेक्स्ट स्टेट QB स्टार. नेक्स्ट स्टेट है फॉर एग्जांपल थर्ड फ्लिप फ्लॉप के लिए, और ये है QC, तो यहाँ पे हमें मिलेगा QC स्टार. ये हमारा नेक्स्ट स्टेट होगा. और लास्ट फ्लिप फ्लॉप है वो है फॉर एग्जांपल QD, और यहाँ पे आपको मिलेगा QD कॉम्प्लीमेंट. ओके, तो ये हो गया हमारे अलग अलग स्टेट्स फॉर अलग अलग आउटपुट्स. ये हमारे प्रेजेंट आउटपुट है और ये है नेक्स्ट स्टेट के आउटपुट. ओके, तो यहाँ पे जो हमारे पास इनपुट्स है इन फ्लिप फ्लॉप के लिए वो होंगे DA, DB, DC एंड DD. ओके, तो ये हमारे इनपुट्स होंगे. तो यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है कि ये जो एक्साइटेशन टेबल है, इस एक्साइटेशन टेबल को ड्रॉ करना है, तो ये टेबल कुछ इस तरीके से बनेगा, जिसमें हमारे पास 4 अलग अलग कॉम्बिनेशन है, 4 अलग अलग आउटपुट है. तो इसके आपको कॉम्बिनेशन 000 से स्टार्ट करने हैं. ओके, यहाँ पे हमने जो स्टेट डायग्राम ड्रॉ किया है, इस स्टेट डायग्राम में जो फर्स्ट हमारा कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पे आएगा. तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन है 000 एंड 0. तो ये जो हम फर्स्ट कॉम्बिनेशन हमें जब मिलेगा, तो इसका नेक्स्ट कॉम्बिनेशन हमें क्या मिलेगा काउंटर का? नेक्स्ट कॉम्बिनेशन ये मिलेगा 0001. ओके, यहाँ पे फर्स्ट कॉम्बिनेशन 000 यहाँ पे था, तो इसका नेक्स्ट कॉम्बिनेशन हमें मिल रहा था 0001. तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0001. ओके, फिर से आप क्लॉक पल्स अप्लाई करोगे तो ये जो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है वो हो जाएगा प्रेजेंट कॉम्बिनेशन. ओके, और जो इसके बाद का कॉम्बिनेशन था वो आपको मिलेगा यहाँ से यहाँ 0010. तो यहाँ पे आपको मिलेगा 0010. ओके, इसी तरीके से आपको इसका नेक्स्ट क्लॉक पल्स पे, ये जो नेक्स्ट क्लॉक पल्स
नेक्स्ट स्टेट था वो हो जाएगा प्रेजेंट स्टेट, तो यहाँ पे आ जाएगा 0010। यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन होता है वो यहाँ आ जाता है, ओके। यहाँ पे कॉम्बिनेशन था वो यहाँ आ गया है, तो इसके बाद का कॉम्बिनेशन हमें क्या मिलेगा, इसके बाद का कॉम्बिनेशन यहाँ पे इस तरह से मिलेगा 0011, तो यहाँ लिख देंगे 001 and 1, ओके। इस तरीके से अगर आप इसका पूरा ट्रूथ टेबल एक्साइटेशन टेबल बनाओगे तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो ये हमारा लास्ट कॉम्बिनेशन हमें यहाँ इस तरह से मिल गया है, लास्ट कॉम्बिनेशन है, और नेक्स्ट क्लॉक पल्स पे आपको यहाँ पे प्रेजेंट स्टेट में देखने को मिलेगा। तो इसके बाद का नेक्स्ट स्टेट हमें क्या मिलना चाहिए, हमने यहाँ पे स्टेट डायग्राम में ड्रॉ किया था कि अगर ये हमारा लास्ट कॉम्बिनेशन है तो नेक्स्ट स्टेट क्या रहेगा, इसका नेक्स्ट स्टेट यहाँ पे हमने इंडिकेट किया था 0000। तो यहाँ पे हमें लिखना है एक्साइटेशन टेबल में नेक्स्ट स्टेट 0000। जब भी ये काउंटर का लास्ट स्टेट आ जाएगा तो इसके बाद का हमें कॉम्बिनेशन मिल जाना चाहिए 0000, ओके। तो ये हमारा हो गया है एक्साइटेशन टेबल के आउटपुट्स, ओके। तो इससे हमें मिलेंगे, तो अब हम जो डी फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशन टेबल था इससे हम ये जो आउटपुट थे इससे हम इनपुट के कॉम्बिनेशन बनाएंगे, ओके। तो यहाँ पे जब Qn की वैल्यू 0, Qn प्लस 1 की वैल्यू 0 थी तो यहाँ पे हमें मिलेगा 0। तो यहाँ पे हम लिख देंगे जब QA की वैल्यू 0, QA स्टार की वैल्यू 0 है तो QA DA हमें मिलेगा 0, ओके। जब तो यहाँ पे हमारे पास ये जो फर्स्ट कॉम्बिनेशन है इसमें हमें यहाँ पे QA की वैल्यू 0 मिल रही है और QA स्टार की वैल्यू भी 0 मिल रही है, तो इन सब में हमें यहाँ पे DA मिलेगा 0000 and 1 0, ओके। फिर हमारे पास यहाँ पे कॉम्बिनेशन है 01, तो 01 पे हमें देखना है कि DA की वैल्यू क्या होगी, 01 पे DA की वैल्यू होगी 1, ओके। तो यहाँ हम लिख देंगे 1। नेक्स्ट है 11, तो तीन कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जिसमें आउटपुट हमें 11 मिल रहे हैं, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं 11 पे हमें आउटपुट D मिलेगा 1, तो यहाँ हम लिख देंगे 111, ओके। थ्री टाइम हमें 1, 1 and 1 मिलेगा, ओके। लास्ट कॉम्बिनेशन है 10, तो 10 पे हमें देखना है 10 पे हमें क्या मिल रहा है, 10 पे 0 मिल रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 0, ओके। अगर आप ये जो हमारा डी फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशन टेबल है इसमें ये जो कॉलम है और ए कॉलम को ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे ये जो कॉलम की वैल्यू है यही हमारे डी की वैल्यू है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो हमारा कॉम्बिनेशन है ये जो कॉलम है यही कॉलम हमारे डी ए की कॉलम है, यानी कि जो डी फ्लिप फ्लॉप है इसमें हमें जो आउटपुट में ये जो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन मिलते हैं वही हमारे इनपुट सिग्नल होते हैं। तो यहाँ पे जो आपको नेक्स्ट स्टेट मिलता है वही आपके इनपुट सिग्नल होते हैं, ओके। तो यहाँ पे अगर आप इस कॉलम को यहाँ पे नहीं लिखोगे और इसी से आपको इनपुट सिग्नल के बुलियन एक्सप्रेशन निकालने हैं तो आप यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हो, ओके। तो इसे हम रिमूव कर देते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट कॉलम है ये फर्स्ट कॉलम है डी ए के लिए, सिमिलरली यहाँ पे क्यू बी का कॉलम है वो आपको मिलेगा डी बी के लिए, यहाँ पे जो नेक्स्ट कॉलम है QC का वो आपको मिलेगा DC के लिए, और यहाँ पे जो QD का कॉलम है वही आपको मिलेगा DD के लिए, ओके। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको यहाँ पे स्टेप नंबर 4 करना है। स्टेप नंबर 4 में आपको यहाँ पे जो एक्साइटेशन टेबल सर्किट का मिला है इसी से आपको बुलियन एक्सप्रेशन निकालने हैं, ओके, जो कि आपके इनपुट की वैल्यू बताएंगे। तो यहाँ से मैं इसे पहले रिमूव कर देता हूँ, और हमें यहाँ पे चार अलग अलग इनपुट वेरिएबल और हमें यहाँ पे अलग अलग चार वेरिएबल मिलेंगे, तो जिससे हमें 16 सेल का एक केएमएफ डिजाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं 16 सेल का एक केएमएफ डिजाइन कर लेता हूं जो कि इन जनरल सभी इनपुट वेरिएबल की बुलियन एक्सप्रेशन वैल्यू फाइंड करने में हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल है वो वेरिएबल यहाँ पे जो प्रेजेंट स्टेट के वेरिएबल है इसी को आपको यूज करने हैं, ये जो नेक्स्ट स्टेट के वेरिएबल है इसको हमें यूज नहीं करना है, लेकिन जो कॉम्बिनेशन है वो इसी को हम यूज करेंगे, ओके। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास वेरिएबल है क्यू ए देन क्यू बी देन क्यू सी एंड क्यू डी, ओके, जिसके कॉम्बिनेशन बनेंगे 00 01 11 and 10। यहाँ पे होगा 00 01 11 and 10, और यहाँ पे जो एरिया है वो यहाँ पे एरिया मिलेगा आपको क्यू ए, यहाँ पे जो एरिया है वो मिलेगा क्यू बी, यहाँ पे जो एरिया है वो मिलेगा क्यू सी, और यहाँ पे जो एरिया है ये आपको मिलेगा क्यू डी का, ओके।
और यहाँ पे हमें क्या करना है, जो हमारे पास वेरिएबल है क्यू ए का, ए हमें मिलेगा, और यहाँ पे जो हमारे पास डी ए की कॉलम है, इस डी ए की कॉलम में आपको देखना है जहां पे भी वन है उससे आपको मिलेगा ए, जो मिनटम है उससे आपको मिलेगी मिनटम्स। ओके, तो यहां पे हमारे पास फर्स्ट डी ए की कॉलम में है फर्स्ट मिनटम, यहाँ पे 0111। तो अगर हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो ये है 01 और यहाँ पे है 11, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट मिनटम मिलेगी 011। सेकेंड मिनटम आपको मिलेगी यहाँ पे 1000, तो यहाँ पे आपको मिनटम मिलेगी 1000 यहाँ पे। थर्ड मिनटम आपको मिलेगी यहाँ पे 01001, तो यहाँ पे आपको मिनटम मिलेगी 1001। और लास्ट मिनटम यहाँ पे है 1010 पे, तो यहाँ पे आप रिप्रेजेंट करोगे तो 1010 यहाँ पे है। तो ये आपकी फर्स्ट डी ए की, तो यहाँ पे हमने डी ए के जितने भी मिनटम थे उसको के मैप में रिप्रेजेंट कर दिया है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो कॉलम से उसमें हमने 0 से लेके 11 तक रिप्रेजेंट किया है। ओके, तो जो बाकी के हमारे मिनटम्स थे और कॉम्बिनेशन थे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास चार वेरिएबल है और यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है उसमें सिर्फ हमने 0 to 11, 12 कॉम्बिनेशन को ही यूज किया है, तो रिमेनिंग जो भी कॉम्बिनेशन रहेंगे जो कि 1100, 1101 and 1110 एंड लास्ट कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा 1111। ये जो चार कॉम्बिनेशन है, इस चार कॉम्बिनेशन में हमें जो आउटपुट मिलेगा वो डोंट केयर का होगा, तो यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करना है डोंट केयर और डोंट केयर। ओके, जो ये चार कॉम्बिनेशन है इसके लिए हमने डोंट केयर ऐड कर दिया है। ओके, तो इससे जो आपको लूप मिलेगी उसमें जो आपको डी ए की वैल्यू मिलेगी वो आपको सिंप्लीफाइड वर्जन मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लूप बनाएंगे तो ए जो चार अलग अलग एलिमेंट है इसकी एक लूप बनेगी, एक लूप आपको कुछ इस तरीके से मिलेगी, ये दोनों और इस दोनों एलिमेंट को यूज करके, तो ये लूप नंबर 2 होगी, और एक लूप आपको कुछ इस तरीके से मिलेगी, तो ये होगा लूप नंबर 3। ओके, तो अगर आपको यहाँ पे डी ए की वैल्यू लिखनी है तो डी ए इज इक्वल टू क्या होगा, फर्स्ट इस लूप के लिए लिखते हैं, तो ये जो लूप है वो क्यू ए के एरिया में है तो हम लिखेंगे क्यू ए, क्यू बी के एरिया में हाफ पोर्शन है तो इसे इग्नोर करेंगे, क्यू सी के एरिया में नहीं है तो यहाँ लिखेंगे क्यू सी कॉम्प्लीमेंट, और क्यू डी के एरिया में हाफ पोर्शन है तो इसे भी इग्नोर करेंगे। प्लस ये जो लूप है यहाँ पे 2 एलिमेंट और यहाँ पे 2 एलिमेंट, ये क्यू ए के एरिया में है तो यहाँ लिखेंगे क्यू ए, क्यू बी ए के एरिया में, क्यू बी के एरिया में हाफ पोर्शन है तो इसे इग्नोर करेंगे, क्यू सी के एरिया में हाफ पोर्शन है तो इसे भी इग्नोर करेंगे, क्यू डी के एरिया में नहीं है तो यहाँ लिखेंगे क्यू डी कॉम्प्लीमेंट। प्लस ए जो लूप हमारे पास यहाँ पे है वो क्यू ए के एरिया में हाफ पोर्शन है, क्यू बी के एरिया में फुल पोर्शन है तो यहाँ लिखेंगे क्यू बी, क्यू सी के एरिया में और क्यू डी के एरिया में है तो यहाँ लिखेंगे क्यू सी एंड क्यू डी। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एक कॉम्बिनेशन बुलियन एक्सप्रेशन डी ए के फर्स्ट ए फ्लिप फ्लॉप के इनपुट के लिए। ओके, तो अगर आपको यहाँ पे डी बी का, डी सी का और डी डी का आउटपुट लिखना है तो आप इसी तरीके से लिख सकते हो। ओके, मैं यहाँ पे आपको जल्दी से लिख के बता देता हूं, आपको पता है कि किस तरह से 16 सेल का के मैप सॉल्व करना है। ओके, तो यहां हम लिखेंगे डी बी के लिए, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे चार अलग अलग बुलियन एक्सप्रेशन मिलेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस एक्साइटेशन टेबल। अभी हमें ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 4। अभी हमें फिफ्थ स्टेप में क्या करना है, फिफ्थ स्टेप में हमें एक सिंक्रोनस काउंटर डिजाइन करना है जिसमें ये जो हमारे इनपुट से वो डी फ्लिप फ्लॉप में अप्लाई होंगे। ओके, तो यहाँ पे आपको स्टेप नंबर 4 में जो लॉजिक डायग्राम है वो लॉजिक डायग्राम ड्रॉ करना है। तो स्टेप 4 लॉजिक डायग्राम, तो लॉजिक डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आपको यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में बता दिया गया था कि फर्स्ट स्टेप में 4 डी फ्लिप फ्लॉप चाहिए, और यहाँ पे हमें बता दिया गया था कि सिंक्रोनस काउंटर डिजाइन करना है, तो सिंक्रोनस काउंटर के लिए आपको चारों फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक पल्स एक साथ अप्लाई करने पड़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं 4 फ्लिप फ्लॉप ड्रॉ कर लेता हूँ और चारों फ्लिप फ्लॉप को एक साथ क्लॉक पल्स अप्लाई कर देता हूँ। ओके, तो ये हो गया हमारे 4 फ्लिप फ्लॉप जिसमें फ्लिप फ्लॉप ए, बी, सी और डी है। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अगर इस फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट क्यू डी, क्यू सी, क्यू बी एंड क्यू ए में आउटपुट हमें जो यहाँ पे कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन के हिसाब से
हिसाब से चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारे इनपुट्स है इस इनपुट्स को इस कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट से डिजाइन करना पड़ेगा। ओके, तो ये हमारा जो काउंटर है ये काउंटर 12 अलग अलग स्टेबल स्टेट देगा और जब हमें आउटपुट में मिलेगा 1011 तो उससे ये रीसेट होके चला जाएगा 000 पे। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, DD में इनपुट देना है QD कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी QD कॉम्प्लीमेंट है तो हम यहाँ पे QD कॉम्प्लीमेंट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे इसको यहाँ से लेके यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो ये हमारा QD कॉम्प्लीमेंट, सॉरी यहाँ पे QD कॉम्प्लीमेंट आएगा तो ये हो गया QD कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो इस तरीके से हमने फर्स्ट जो आउटपुट था QD कॉम्प्लीमेंट का वो यहाँ से लेके यहाँ पे अप्लाई कर दिया है तो ये फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी हमें यहाँ पे QD का आउटपुट मिलेगा। ओके, जो कि हमारा LSB बीट होगा। ओके, ये हमारा LSB बीट है। नेक्स्ट है QC। QC में हमने जो आउटपुट नेक्स्ट है हमारा DC। तो DC में हमें जो इनपुट देना है वो है QC और QD का XOR गेट। ओके, तो यहाँ पे हमें जो आउटपुट देना है वो हमें XOR गेट से देना है। ओके, और इस XOR गेट में हमें अप्लाई क्या करना है, XOR गेट में हमें अप्लाई करना है QC जो कि यहाँ पे है तो यहाँ से मैं QC ले लेता हूँ तो ये हो गया हमारा QC, यहाँ से QC आएगा और QD, तो QD हमारा ऑलरेडी यहाँ पे है तो इसे हम यहाँ से यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो ये हो गया हमारा QD। ओके, और इससे हमें मिलेगा XOR गेट का आउटपुट जिसे हमें अप्लाई करना है DC में। तो यहाँ पे हमारा DC भी रेडी हो गया है जिसमें हमने एक XOR गेट लेके यहाँ पे QC और QD को XOR कर दिया है। ओके, तो ये हमें मिलेगा नेक्स्ट बीट QC। नेक्स्ट हमें चाहिए DB। तो DB के लिए ये हमारा पूरा जो बुलियन एक्सप्रेशन है इसके लिए हमें एक कॉम्बिनेशनल सर्किट डिजाइन करनी पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पे हमें फर्स्ट एक चाहिए मिनटर्म QB एंड QC कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे मैं एक एंड गेट ले लेता हूँ जिससे हमें फर्स्ट ए मिनटर्म मिलेगी जिसमें हमें QB अप्लाई करना है तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ QB, ये हो गया QB। और हमें चाहिए एक QC, तो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी QC है तो यहाँ से हम QC ले लेंगे तो यहाँ पे हमें आउटपुट मिलेगा QB एंड QC कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट हमें और एक चाहिए जिसमें QB और QD का कॉम्प्लीमेंट हो तो यहाँ पे मैं एक और एंड गेट ले लेता हूँ जिसमें हम अप्लाई करेंगे QB, तो QB ऑलरेडी यहाँ पे हमारे पास था तो यहाँ पे अप्लाई कर देंगे QB। और चाहिए हमें QD कॉम्प्लीमेंट, QD कॉम्प्लीमेंट हमें यहाँ से मिलेगा तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ QD कॉम्प्लीमेंट, तो ये हो गया QD कॉम्प्लीमेंट। तो इससे हमें जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा QB एंड QD कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट हमें चाहिए QA कॉम्प्लीमेंट, QB कॉम्प्लीमेंट, QC एंड QD, तो एक और एंड गेट ले लेते हैं जिसमें हम अप्लाई करेंगे QB कॉम्प्लीमेंट, तो यहां से हमें मिलेगा QB कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया QB कॉम्प्लीमेंट। और चाहिए हमें QA कॉम्प्लीमेंट, तो QA कॉम्प्लीमेंट हम यहां से ले सकते हैं। इसके अलावा मैं हम इस तरह से भी इंडिकेट कर सकते हैं, ये फॉर एग्जाम्पल हो गया हमारा QA कॉम्प्लीमेंट, ये फॉर एग्जाम्पल हो गया QB कॉम्प्लीमेंट, और हमें चाहिए QC एंड QD। ओके, तो QC हमारा ऑलरेडी यहाँ पे है तो यहाँ से हम QC को कनेक्ट कर देते हैं तो ये हो गया हमारा QC। और हमें चाहिए QD, तो QD हमारा यहाँ पे है तो यहाँ से हम QD को अप्लाई कर देते हैं तो ये हो गया QD। ओके, तो इस एंड गेट का जो आउटपुट मिलेगा वो हमें मिलेगा QA कॉम्प्लीमेंट, QB कॉम्प्लीमेंट, QC एंड QD। और इससे हमें इन सब को और ये जो हमारे एंड गेट है इसका जो आउटपुट है इसे हमें एक और गेट में अप्लाई करना है तो ये सब का एडिशन करके हमें यहाँ पे देगा। तो यहाँ पे हम फर्स्ट एंड गेट का आउटपुट अप्लाई कर देते हैं, यहाँ से सेकंड एंड गेट का आउटपुट अप्लाई कर देते हैं और यहाँ से थर्ड एंड गेट का आउटपुट यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो ये और गेट का जो आउटपुट मिलेगा उसे हमें यहाँ पे डीबी में अप्लाई करना है तो यहाँ से हम डीबी में अप्लाई कर देते हैं तो ये हो गया हमारा सेकेंड डीबी का आउटपुट, डीबी का इनपुट। ओके, तो इस तरीके से आपको ये पूरा कॉम्बिनेशनल सर्किट डिजाइन करना है जिसको आपको डीबी में अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, और इसी तरीके से आपको यहाँ पे एक डीसी के लिए डीए का कॉम्बिनेशनल सर्किट बनाना पड़ेगा तो यहाँ पे हम जल्दी से बना लेते हैं। तो ये हो गया हमारा लास्ट एक डीए का कॉम्बिनेशन। ओके, जिसमें हमने तीन और गेट से ये तीन मिनटम बनाई है और तीनों मिनटम को और गेट से कनेक्ट कर दिया है, जिसमें हमने तीन एंड गेट यूज किए हैं और तीन एंड गेट से इन तीनों मिनटम को
बना लिया है और सभी मिनटम को एक और गेट से बना के यहाँ पे डी ए में अप्लाई कर दिया है। तो ये जो हमारा लॉजिक डायग्राम है वो है मोड 12 सिंक्रोनस अप काउंटर का, जो कि 0 से लेके 11 तक काउंट करेगा। जब भी 11 आएगा तो यहाँ पे रीसेट होके 00 पे आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हमने कॉम्बिनेशनल सर्किट ऐड की है, ये कॉम्बिनेशनल सर्किट यूज होते हैं यहाँ पे 11 को डिटेक्ट करने के लिए। जब भी 11 आएगा तो ये ऑटोमेटिक 0 पे ट्रांसफर होके फिर से रीसेट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो रीसेट होने वाला जो कॉम्बिनेशन है वो है 0000। ओके, जो कि है 0 का बाइनरी। तो इस तरीके से अगर आपको कोई भी काउंटर डिजाइन करना है तो ये 5 स्टेप से आप कोई भी कॉम्बिनेशनल सर्किट डिजाइन कर सकते, कोई भी काउंटर डिजाइन कर सकते हो। ओके, जिसमें हम सिंक्रोनस आउटपुट ले सके। तो ये था हमारा मोड 12 सिंक्रोनस अप काउंटर यूजिंग डी फ्लिप फ्लॉप। इसी तरीके से आप और भी काउंटर डिजाइन कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिंग काउंटर एंड जॉनसन काउंटर के बारे में।